Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. भाई आज हाजिर हूँ दोबारा से क्रिकेट के ऊपर तबसरा लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है और आज डे वन है दूसरे टेस्ट का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एज आई सेड के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एक तो मेरा फेवरेट ग्राउंड है, ऊपर से मुझे वहाँ की पिच बहुत जो इफेक्टिव लगती है क्योंकि बहुत ग्रासी विकेट होती है और वहाँ पर बॉल बहुत स्विंग होता है और फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा वो पिच जो है एडवांटेज देती है क्योंकि बॉल में पेस बहुत आता है, ऊपर से स्विंग एक्स्ट्रा स्विंग मिलती है फास्ट बॉलर्स को। तो जैसा मैंने बोला था कि शाहीन शाह अफरीदी पर्थ टेस्ट में मुझे इतना इफेक्टिव होते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, मेलबर्न में नज़र आ रहे हैं। तो आज वो चीज़ मुझे दिखी कि जब नया बॉल मिला उनको तो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, बैट्समैन ने स्ट्रगल बहुत किया। और दूसरी चीज़ ये कि फील्डिंग पुअर थी आज, फिर से कैचेस ड्रॉप हुआ, डेविड वार्नर का फिर से कैच ड्रॉप हुआ। वो तो किस्मत थी कि वो सलमान अली आगम की विकेट ले गए, वरना तो आज फिर वार्नर ने सेंचुरी मारनी थी। और अगर हम देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी और बाकी जितने भी नए बॉलर्स आज खेले, मीर हमजा हो गया और आमिर जमाल खेल रहे, हसन अली का कमबैक हुआ है, बॉलर्स ने नए बॉल को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया। आपने अलग अलग वेरिएशन पे बॉलें की बॉलर्स को और बैट्समैन को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सेट होने लगे पिच पे। हालांकि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था, लेकिन बात यह है कि आपको एक जगह पे बॉलिंग करनी थी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा, कि उनके और हमारे बॉलर्स में यही फ़र्क नज़र आया कि उनके बॉलर्स एक ही जगह बॉल कर रहे थे जहाँ पर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था, हमारे बॉलर्स एक जगह बॉल कर रहे जहाँ पर बैट्समैन स्ट्रगल किया, उसके बाद अगला बॉल उसके स्ट्रॉन्ग एरिया पे कर देना जहाँ पे वो स्ट्रगल नहीं कर रहा, जहाँ पे उसका बैट जो है वो आ रहा है बॉल पे। तो यही आज भी हुआ कि जहाँ बैट्समैन ने स्ट्रगल किया हमने वहाँ अच्छा बॉल किया, और जैसे ही हमने बॉल की लाइन लाइन चेंज की वैसी बैट्समैन सेट हो गया। अभी मैंने लास्ट कुछ बॉलें देखी जो कि मीर हमजा करा रहे थे, उन्होंने आउटस्विंग बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया, स्टीव स्मिथ ने स्ट्रगल किया, उन्होंने फिर अगला बॉल इन स्विंग कर दिया और वो पैरों पे किया, तो उसमें स्टीव स्मिथ स्ट्रगल नहीं कर सके, उन्होंने खेल लिया। तो यानी कि की पॉइंट यही निकला कि आप एक जगह बॉल करो जहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पे आपको एजेस भी मिलेंगे, वहीं पे आपको LBWs मिलने का भी चांस है, वहीं पे कैच आउट्स का भी चांस है, वहाँ से इनसाइड एज पे लग के बॉल का भी चांस है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप एक जगह बॉल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सैफी भाई को बाहर किया गया इस टेस्ट से, सेकेंड टेस्ट से। मेरे ख्याल से डिसीशन ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से कैप्टन को जो लगा होगा उन्होंने उस हिसाब से डिसीशन लिया। जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सैफी भाई हमें इस कंडीशन पे सूट होते हुए नहीं नज़र आ रहे थे और हमने तभी उनको बाहर बिठाया। तो मैंने तो ये चीज़ भी कही थी कि मुझे सैफी भाई ऑस्ट्रेलिया पे सूट होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऑस्ट्रेलिया पे अच्छा नहीं है, वो उस तरह के बैट्समैन नहीं है जो कि बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका, और अभी के टाइम पर हमारे पास कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जो कि उस ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर अच्छी तरह सेट हुआ। तो बात यही है कि आप रिजवान को और सैफी भाई को दोनों को साथ खिला सकते हैं, मतलब क्यों नहीं खिला सकते, पहले भी तो खेले वो दोनों साथ, ऐसी बात तो नहीं है। असल में एक बस एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि सरफराज खेलेगा तो रिजवान भाई नहीं खेलेंगे, रिजवान भाई खेलेंगे तो सैफी भाई बाहर हो जाएंगे। ये फिर एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है दोनों विकेट कीपर्स के अंदर कि भाई रिजवान बहुत अच्छा फील्डर है और बहुत अच्छी फील्डिंग कर सकता है, सैफी भाई प्योर विकेट कीपर है। अभी अगर मैं देखूँ ना, अगर सैफी भाई को विकेट कीपिंग के बेस पर उन्होंने बाहर किया तो बहुत ही ख़राब डिसीजन लिया। क्यों? सैफी भाई से सिर्फ एक स्टंप छूटा, और वो स्टंप भी कैसे छूटा कि भाई विकेट कीपर जो होता है ना, जब वो स्पिन को फेस कर रहा होता है तो वो अपना हाथ वो पहले ही ले जाता है बॉल की तरफ ताकि बॉल आ सके, क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप के बिल्कुल नियर खड़ा होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है उसके और स्टंप के बीच में, तो अगर वो हाथ लेके नहीं जाएगा तो बॉल वैसे छूट जाएगी उससे। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि बॉल थोड़ा सा पड़ के ऊपर निकला, अब वो ग्लव से लगे चला गया, रनआउट भी बाबर ने छोड़ दिया, तो उस पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, यार सैफी भाई ने स्टंप छोड़ दिया, ये फिटनेस नहीं है। चलो ठीक है, फिटनेस की बात तो मैं ही समझता हूँ, थोड़ा बहुत फिटनेस नहीं है इतनी, लेकिन अब ये रिटायर होने का वक्त है, रिटायर होने का भी वक्त है बिल्कुल। अब ये कह देना कि नहीं बस ये तो बेकार है प्लेयर है और ऐसा है वैसा है, हमारे यहाँ लोगों का भी यही मसला है कि जिस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो कोई भी हो, इन लोगों ने जो पाकिस्तान को सर्विसेज दी हैं, हम वो भुला के उनकी जो गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं उनसे, उस पर हम बात करना शुरू हो जाते हैं, उस पर हम रोस्ट करना बाकायदा शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। उसके अलावा अगर आप सैफी भाई के पूरे पर्थ टेस्ट में विकेट कीपिंग देखें तो आउटक्लास विकेट कीपिंग के, फास्ट बॉलर्स पर आप उनकी डाइव देख लें, आप उनके कैचेस देख लें जो उन्होंने कैच पकड़े,
मतलब के कहीं नहीं नजर आएगा वो विकेट कीपर नहीं है, ये कह देना कि यार विकेट कीपर नहीं है और ये बिल्कुल ही ख़त्म है और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। विकेट कीपिंग में हर विकेट कीपर से जो है वो छूटती बॉल है। रिजवान से एशिया कप में छूटा ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड कप में छूटा ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है विकेट कीपर का काम है कुछ के हाथ में बॉल आनी चाहिए, लेकिन जब बॉल बैट से निकल के आ रहा होता है ना आपके पास, किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो ठीक है, वरना जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया ना वो फिर बोले भी ना। जब बॉल बैट से निकल के आता है ना बॉल घूमता हुआ आता है, बॉल कभी भी सीधा नहीं आता, तो ये कह देना कि यार जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ विकेट के पीछे वो कैसे कह सकता है कि यार विकेट कीपर अच्छा नहीं है। विकेट कीपिंग करना आसान काम नहीं है, ये मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं करता हूँ विकेट कीपिंग, आसान काम नहीं, मुझसे भी कितनी दफ़ा छूटी हैं, स्टार्टिंग में बहुत छूटी, उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया अपने आप को। तो खैर यही मकसद था कि रिजवान को अभी लाए, ठीक है अच्छी बात है उसको खिलाया आपने, आप सैफी भाई को भी खिला सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है आपने बाहर किया, आपने उनको रेस्ट दिया, अच्छी बात है कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट ये निकला कि आपने इम्प्रूवमेंट क्या की। सिर्फ लड़के अंदर बाहर करने से कुछ नहीं होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप पोजीशन देखें ना हमारे टेस्ट मैच में, तो अभी भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, तीन विकेट गिरेंगे, उनके जो भी बैट्समैन नहीं आ रहा है वो सेट हो जा रहा है, पार्टनरशिप लगा के जा रहा है, क्यों लगा के जा रहा है, आपके बॉलर्स क्यों नहीं उन बैट्समैन को स्ट्रगल करवा रहे कि वो जल्दी जल्दी विकेट्स लें। मतलब कि कोई गेम प्लान नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट मैच होगा जो कि आई थिंक सिडनी में है, उसमें शाहीन को बिल्कुल रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि यार वो बंदा पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग करते हुए आया और वो अभी टेस्ट में भी कर रहा है, तकरीबन 23 साल की उम्र में वो कोई 1000 के करीब ओवर्स कराने वाला है, उसके करीब बहुत करीब करीब है 1000 ओवर्स। मतलब एक बंदा जिसकी अभी बहुत यंग एज है, आप उससे इतनी बॉलिंग करा रहे हो, इतनी बॉलिंग करा रहे हो कि वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, 135 का उनका एवरेज गिर गया पेस का, जो कि 141 उनका एवरेज हुआ करता था, और कोई बैकअप तैयार नहीं हो रहा है। तो यही कहने का मकसद है कि भाई आप बैकअप तैयार करें, अपने प्लेयर्स को डेवलप करें, इम्प्रूवमेंट लेके आए, बंदे अंदर बाहर करने से कुछ भी कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करते हैं आज तो डे वन है, अभी 4 दिन पड़े हैं, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान कुछ अच्छा प्रोड्यूस करे, कोई हो सकता है ये मैच जीत जाए। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो 70-30 मुझे लगता है, 70 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ऑब्वियसली, तो वैसे तो नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, लेकिन होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और यही कह सकता हूँ, और यही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो भी मेरे क्रिकेट के ब्लॉग्स हों उनको देखें, और कोई भी मेरी गलती आप लोगों को अगर मेरे कोई एनालिसिस देने में कोई भी गलती सामने आ रही हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।